guys, welcome back to my channel. So finally I'm gonna share with you guys this look, this Saraswati Puja look number 2 with a saree. आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि दी साड़ी के साथ लुक क्रिएट करो एंड मैंने आप लोगों को कहा था लुक आने वाला है, सो हियर आई एम। तो अगर आपको जाना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी आज हेयर स्टाइल नहीं किया है, मैंने बस अपने हेयर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल्स किया है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी सनस्क्रीन के साथ, क्योंकि सरस्वती पूजा है, हम लोग हैंग आउट करने वाले हैं तो सनस्क्रीन तो एकदम मस्ट है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद टू हाइड्रेट माई फेस फर्दर आई एम गोना यूज़ माई काम आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर, विच इज़ सो रिफ्रेशिंग। एंड प्राइमर के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का बेस मैजिक प्राइमर। मैं बस ज़रा सा लेके अपने टी जोन एरिया पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बहुत पोर है। अगर आपके नहीं है तो आपको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं बेस में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वॉर्म हनी। एंड मैं बहुत ही लिटिल लिटिल प्रोडक्ट ले रही हूँ स्पंज पे एंड उसको हल्का हल्के से लगा रही हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी बेस मैं नहीं क्रिएट करूँगी। आप देख ही सकते हो। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग माई वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनी। एंड मैं कंसीलर भी बहुत ही लिटिल अमाउंट में लगाऊंगी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स है। अगर आपके नहीं है, अगर आपका स्किन टोन एकदम इवन है तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के एकदम ओके हो, कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे डार्क सर्कल्स है इसलिए मैं लिटिल बिट कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फेस को सेट करने के लिए मेरा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो कि है मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मेरा शेड है मीडियम एंड बिलीव मी गाइस, दिस पाउडर इज ऑसम। फाइनली मेल्ट पाउडर है, लाइक अफोर्डेबल रेंज में आई थिंक बेस्ट लूज पाउडर है। मैं फेस को भी बहुत ज़्यादा सेट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर इन द शेड ब्राउन। एंड मैं ब्राउज को थोड़ा सा बस हेवीली फिल कर रही हूँ क्योंकि मेकअप में बहुत ही मिनिमल रखूंगी, इसलिए ब्राउज हेवीली फिल होना ज़रूरी है। फेस को लिटिल बिट ब्राउन अप करने के लिए मैं एले कलर का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मीडियम बेज। ये कम्पैक्ट मेरे स्किन टोन से जस्ट वन टोन डार्क है तो मेरे फेस को बहुत अच्छे से डायमेंशन देता है। मैं नोज को भी इसी से चिजल्ड अप कर लूँगी। फॉर माई ब्लश ऑन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड ब्लश इन द शेड मेलो वाइन। लेकिन मैं ब्लश बहुत ही हल्के से लगाऊंगी क्योंकि डे टाइम में हम लोग ज़्यादातर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप लगाओगे तो धूप में वो और भी ज़्यादा दिखेगा। हाइलाइटर भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से लगा रही हूँ, मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड। ये बहुत ही लाइक बैम बैम काइंड ऑफ हाइलाइटर है लेकिन मैंने इसको बहुत ही लिटिल बिट करके लगाया तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं अपने बेस मेकअप जो भी मैंने किया है उसको सेट कर लूँगी वेट एंड वाइल्ड के मेकअप फिक्सर के साथ। ये एक ड्यूवी फिनिश सेटिंग स्प्रे है, क्योंकि विंटर है इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे का यूज़ कीजिए। आई मेकअप भी मैं बहुत ही मिनिमल रखूँगी लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्राइट ज़रूर रखूँगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का काजल। ये स्मज में करने के लिए बहुत इजी है इसलिए मैं ये काजल यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं अपनी लैश लाइन क्लोज जस्ट एक थोड़ा सा लाइनर टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोई भी रैंडम ब्लैक कलर का आई शेडो लेके इस लाइनर को लिटिल बिट स्मज करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मज नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से स्मज करना है। एंड फिर मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ एंड फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्मज लुक बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता एंड इजीली हो भी जाता है। अब क्योंकि मैंने ग्रीन कॉम्बिनेशन में क्लोथिंग पहना है इसलिए मैं ग्रीन कलर का काजल लगा रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। ये है ब्लू हेवन का काजल। सो आप कोऑर्डिनेट करके ऐसा कोई कलर काजल लगा सकते हो अगर आप ब्लू पहन रहे हो या फिर कुछ और। इसके बाद काजल को भी मैं लिटिल बिट स्मच कर दूंगी एक क्लीन ब्रश के साथ।
मैं कोई भी पॉलिसीज आज अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे, मैं जब बाहर घूमने जाती हूँ नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे पॉलिसीज लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं मस्कारा का काफ़ी अच्छा एंड हैवी कोड लगा रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ आपको पता ही होगा मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। इसके बाद आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर के साथ। एंड आज मैं अपने लिप कलर को न्यूड रखने वाली हूँ, तो मैं अपने लिप्स को पहले लाइन कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ओवरलाइन भी कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के लिप लाइनर के साथ इन द शेड चेस्टनट, जो कि मेरा सबसे फेवरेट लिप लाइनर है। एंड टू फिल माय लिप्स आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन मैटिंग लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड अमेजोनियन, जो कि एक थोड़ा सा कूल टोन ब्राउन कलर है, नॉट कूल टोन, नॉट ब्राउन, मतलब वार्म टोन, मीडियम का कोई ब्राउन शेड है, काफ़ी अच्छा एंड प्रिटी न्यूट कलर है। लेकिन ये लिप लाइनर विदाउट लिप लाइनर फेस को फ्लश आउट करता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से अपने लिप्स को लाइन किया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई लुक विद अ ग्रीन बिंदी। सो गाइस, दिस इज माय फिनिश लुक, आई जस्ट लव द लुक, ये सरस्वती पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।